फ्रेंड्स, चलो आज और एक नया वीडियो Vivo Y30 अनेबल टू चार्ज का प्रॉब्लम आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी मैंने चार्जिंग पे लगाया है, ये देखो अनेबल टू चार्ज प्लीज कॉन्टैक्ट सेल सर्विस, ये एरर आ रहा है। ये किस वजह से आ रहा है ये हम देखेंगे। फ़ोन को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद एक कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है। ये कहाँ लगा है ये हम देख के वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नए नए वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट जरूर करो। ये देखो चार्जिंग बोर्ड में एक कैपेसिटर लगा होता है, ये देखो ये कैपेसिटर है। यहाँ से हम जम्पर लगा कर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक कैपेसिटर चार्जिंग का जो पॉइंट है उसके नीचे में लगा हुआ होता है। यहाँ से हम जम्पर करके ऊपर बोर्ड पे देंगे। हमने जम्पर लगाए यहाँ, चार्जिंग का जो कनेक्टर होता है उसके पीछे की तरफ से ये छोटा वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। अच्छी तरह से हम यहाँ सोल्डरिंग करेंगे ताकि बाद में निकल ना सके। ये देखो चार्जिंग कनेक्टर के नीचे एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर ऊपर एक कैप होती है वो आराम से निकलना पड़ेगी, उसके नीचे ही कैपेसिटर होता है। ये जो बैटरी कनेक्टर है उसके बीच में हम ये जम्पर लगाएंगे ताकि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बैटरी कनेक्टर है हमारे Y30 का, बीच के पॉइंट में हम सोल्डरिंग करते नीचे चार्जिंग बोर्ड के कैपेसिटर से बैटरी कनेक्टर में जम्पर लगा के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब हम चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। 101% ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। अभी भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। ये देखो चार्ज लगा है, अब एरर आता है या नहीं देखो। ये हमारा चार्जिंग चालू हो गया है। इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।